तो एग्जैक्टली मैं आ गया चोर बाजार। जाकिर कच्चे बनियान दिलवाऊं? नहीं 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 यार, चोरी के लिए। कैसी अपनी टर्बो फैमिली में, एकदम बढ़िया, बहुत ही जगह। सो होप्स आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो आज वैसे बारिश ने काम ख़राब कर दिया है। अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 5:30 और ये है टेक 2। पहली बार मैं कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, मैं पता नहीं क्या 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 बकवास कर गया। एनीवेज मैं खड़ा हूँ ऑटो मार्क पे एंड एज़ यू कैन सी ऑटो मार्क आज पूरा खाली पड़ा है। खाली मतलब इतनी बरसात में तो यहाँ पर कौन ही आएगा। तो आज वैसे मुझे भी पता नहीं है कि कंटेंट वंटेंट क्या बनने वाला है। वहाँ पे खड़ी एक बीटल, बट मैं बीटल को कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ी सी बोरिंग कार लगती है, थोड़ी सैड सी कार लगती है। बट एक्चुअल में अगर फीमेल्स के लिए देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है एंड काफ़ी पसंद भी होती है उनको। थोड़ा सा बाहर से शोर ज़्यादा आ रहा है, तो एक काम करते हैं अंदर चलते हैं शोरूम के अंदर, भैया से मिलवाता हूँ। आज कंटेंट क्या बनने वाला है ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बट कुछ ना कुछ तो कवर कर ही लेंगे एज़ यूजुअल। आज वैसे मेरी आँखों से लग रहा होगा कि मैं सो के आया हूँ। वैसे मैं सुबह नहा लिया था, पर दिन में क्या है मैं 1-2 घंटे के लिए सो गया वेट करते हुए कि कब बरसात रुकेगी और कब घर से बाहर निकलेंगे। तो अभी तक कंटेंट का वैसे आइडिया नहीं है क्या बनने वाला है, बट अब जब व्लॉग चालू हो गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही आगे। तो गाइस ऐसा दिखता है कुछ अंदर से शोरूम, और यहाँ पे रखे हैं काफ़ी सारे एलॉयज, बहुत सारी लाइट्स। अगर कोई भी कस्टम लाइट लगवानी हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आजकल ये नए वॉसन व्हील्स के काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट एलॉयज आए हुए हैं, जिसमें फॉर्ज व्हील्स भी आ जाते हैं, नॉर्मल भी आते हैं एंड काफ़ी अल्टीमेट डिज़ाइन होते हैं। ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के मिल जाएंगे एंड बाकी कोई भी एक्सेसरी लगवानी हो ऑटो मार्क पे आके करवा सकते हो कुछ भी। तो यहाँ से चलते हैं अभी वेयर हाउस, कुछ काम है वहाँ पे, मीटिंग करते हैं उसके बाद देखेंगे। The next day. तो आज एक्चुअली संडे का दिन, मैं नीचे से अभी अखबार लेके मम्मी को ऊपर देने जा रहा हूँ एंड नीचे गाड़ी की साफ सफाई सारी कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो संडे का दिन 10 बजे वीडियो आना है, देखते हैं आज का चैलेंज कितने बजे कंप्लीट होता है। कल बारिश के चक्कर में एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो पाया, और जब ऐसा कुछ होता है ना तब ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो जाकिर उठ गए और नहा धो के तैयार भी हो गए। वाओ जाकिर वाओ, ये कैसे हो गया? मतलब आज तो तैयार है इतना तैयार जल्दी वीडियो के लिए? कौन से वीडियो के लिए? अभी जा रहे हैं ना बनाने। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि तू सुबह तैयार हो गया? आज वीडियो नहीं आ पाती वरना। तो एक्चुअल में ये स्ट्रगल ये था कि 2 दिन से बारिश, और बारिश के चक्कर में हम वीडियो ही नहीं बना पाए। सुबह के 8 बज रहे हैं और 10 बजे अपना वीडियो आना होता है, देखते हैं कितने बजे आता है, चैलेंज कितने बजे कंप्लीट होता है। बट यस डेफिनेटली वीडियो तो आएगा ही आएगा, कोशिश पूरी है और मेहनत अपन हमेशा करते ही रहते हैं। एज यूजुअल वर्क हार्ड टू लिव लार्ज। तो चलते हैं यहाँ से, मोटो व्लॉग करते हैं, अब सीधा मोटो व्लॉग पे मिलते हैं। तो भाई अपन आ गए रोड के ऊपर और ये है एक्चुअली जो अपन चला रहे हैं, दिस इज लो राइडर। ओ ब्यूटीफुल बाइक, वैसे इसको मैं ऑलमोस्ट 2 या 3 बार चला चुका हूँ अभी, अराउंड शायद 150 किलोमीटर के आसपास। और सच बताऊँ तो मज़ा आ रहा है चलाने में। एक तो क्या है, जो हैंडल बार है ये बहुत ही डिफरेंट है, कलर स्पेशली द कलर ऑफ द बाइक इज सो आई कैची, मतलब जिस जो भी देखता है ना इसको एक बार देखने ही लग जाता है। एंड इसका पब्लिक रिएक्शन ना एक्चुअली बड़ा ज़बरदस्त था, मतलब जबकि मुझे लग नहीं रहा था इसको देख के कि इसका कोई पब्लिक रिएक्शन आएगा, बट स्टिल पब्लिक रिएक्शन वॉज ऑसम, ज़बरदस्त, बिल्कुल एक नंबर। और ग्रीन लाइट, और थोड़ा सा आगे करके खींच के निकाल लेते हैं। वैसे आज माइक नया लग चुका है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आवाज़ कैसी आ रही होगी। मैंने इसके अंदर, मेरे पास एक रोड का मेपल माइक पड़ा था जो करीब करीब शायद मैंने लिया था 7,000 रुपये के आसपास, और वो मैंने लगा दिया माइक के अंदर। अब उसकी क्या लीड थोड़ी सी लंबी थी तो मुझे थोड़े से वायर को एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, और माइक को भी एग्जैक्टली अपनी जगह पर लगाने में थोड़ा सा मुझे ट्रबल हुआ। तो ये मैंने अभी वाइज़र पूरा बंद कर दिया है, पूरा बंद मतलब एग्जैक्टली पूरा बंद है, और लेट्स सी अब आवाज़ कैसी आने वाली है। अब ये क्या होता है कि ये एक ऐसा ब्लाइंड गेम है जो घर जाके ही पता लगता है, जब तक सिस्टम में अपन फाइल लोड नहीं करते तब तक पता ही नहीं लगता कि क्या होने वाला है। सच बता रहा हूँ, तब तक तो कुछ भी पता नहीं होता। तो एक गलत इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में दे दी थी, सो गाइस दिस इज़ नॉट 1200 cc, दिस इज़ 1750 cc हार्ले डेविडसन लो राइडर, 107 क्यूबिक इंजन वाला ये
बाइक है जो एक्चुअली जो इंजन है ये फैट बॉय में पहले फैट बॉब में ऑलमोस्ट सेम ही इंजन आता था, थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग का फ़र्क होता है, बाकी एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा पावर का एहसास। तो ये देखो मतलब है किसी स्पोर्ट्स बाइक से कमी है, कहीं से भी फील हुआ है कि स्पोर्ट्स बाइक से कम है? बिल्कुल भी नहीं गाइस, बिल्कुल भी पता नहीं लगता, मतलब इतना टॉर्क है बाइक के अंदर, इतनी मतलब ज़बरदस्त जो थ्रस्ट है रेस देते ही जो एकदम पागल होती है ना ये बाइक, वो बहुत डिफरेंट है। तो आज वैसे संडे, ट्रैफिक बिल्कुल कम रोड पे, ये देखो लोग देख रहे हैं, ये देखो मुड़ मुड़ के, वो एक्चुअली कलर बड़ा पैपी है, कलर की वजह से ना लोग देखते हैं, मुड़ के देखते हैं एक्चुअली। तो हार्ले की ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, दैट इज़ जब अपन इसको लेके जाते हैं और सिटी में चलाते हैं, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ मतलब लगता है लोगों को कि ये बहुत बड़ी बाइक है, बहुत ह्यूज है, सिटी में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आएगा, बट दिस इज़ अ प्रॉपर सिटी बाइक, मतलब अगर सिटी में चलानी हो ना तो इतनी ईजी है। एक तो क्या है, लो बैठे होते हो आप, पैर आराम से टिक जाते हैं, हाँ थोड़ी सी गर्म ज़्यादा होती है ये, क्योंकि एक्चुअली इंजन 1750 सीसी है, बट अगर इस मौसम की बात करें जो आजकल मौसम चल रहा है, तो दो दिन से तो इतनी ख़तरनाक दिल्ली में बारिश हो रही थी कि आप सब लोगों को पता ही है, न्यूज़ व्यूज़ में भी आ चुका था, मैं तो कल एक्चुअली मेरी गाड़ी डूबने ही वाली थी, डूबते डूबते बच गई, और सच बताऊँ तो बची गई शायद, मतलब अगर थोड़ा सा और ज़्यादा पानी होता तो मेरी कार मतलब कल कार का मेरा दहन हो जाना था, दहन मतलब कि वो पानी में विसर्जन हो जाना था शायद, हाँ एग्जैक्टली द वर्ड इज़ विसर्जन, वो विसर्जन ही हो जाता उसका, कल मतलब बह ही जाती वो। तो कल एक ऐसा पॉइंट भी आ गया था, मैं चाहता था कि मतलब मैं वीडियो या कैमरा बना लूं, पर पानी इतना ज़्यादा था कि मैं पानी को देख के मतलब अंदर से खौफ आ गया, मैंने कहा छोड़ो भाई, पहले सबसे पहले इसमें से निकलो, पता लगे निकलने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में कांड ही हो गया, तो मेरे को वो कांड नहीं करना था, एंड इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने कहा चुपचाप बेटा जी अपना फटाफट से यहाँ से निकलो, एंड बस निकल ही लो, निकल लो और निकल ही लो बस। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ चोर बाजार। ओ भाई ये क्या उड़ा रहा है, बैलून उड़ा रहा है? मुझे लगा पतंग उड़ा रहा है। मुझे भी यही लगा था पतंग उड़ा रहा है, वो बैलून है। तो ये काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है एक्चुअली, और यहाँ पे लगता है गाइस चोर बाजार, ओ माई गॉड, मतलब चोर बाजार नाम की भी कोई चीज़ होती है, एग्जैक्टली होती है। तो मेरे को लगा कि मैंने कहा चलो आज चलते हैं, थोड़ा सा देख के ही आते हैं कि चोर बाजार एक्चुअल में वो चोर बाजार है या नॉर्मल बाजार है। तो अभी तक तो ये देखो ये नॉर्मल बाजार ही लग रहा है मेरे को, खाने पीने की काफ़ी सारी आइटम्स सुबह सुबह, वाह भाई जाकिर तुझे चोर बाजार जैसा लग रहा है कुछ? हाँ भाई चोरी के माल है यहाँ पे, ओ भाई सेकेंड हैंड जूते, सेकेंड हैंड कपड़े, यस चोरी के कपड़े एग्जैक्टली चोरी के कपड़े, और चोरी का ही सामान दिख भी रहा है मुझे, ये देखो ये रे, अरे भाई सही में चोरी का सामान है ये तो, यहाँ से सब फोन लेके जाते चोरी के। अच्छा जी हाँ। ओ भाई कितना बड़ा मार्केट, और भीड़ देखो जरा भाई गॉड, आधे लोगों ने तो मास्क नहीं लगा रखा है यहाँ पे। ओ भाई गिटार भी है, वो मुझे तो गिटार भी दिख गया गिटार कैमरा म्यूजिक सिस्टम सब कुछ दिख गया भाई। ये तो देखो ये देखो ओए होए 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 होए, सारी भीड़ यहीं लगी हुई है जाकिर, म्यूजिक सिस्टम तो देख, ओहो क्या बात है। अच्छा एक चीज और है, हम चोर बाजार देख रहे हैं, लोग हमारे को देख रहे हैं जाकिर कच्चे बनियान दिलवाऊं? ओ भाई अंदर कितना बड़ा बाजार है ये, ना मैं तो नहीं जा रहा अंदर अपन ना जा रहे अंदर बाइक गर्म होनी चालू हो गई मेरी। और जाकिर कार खड़ी है चोर बाजार में, कार है हैवी मर्सिडीज, ओ मर्सिडीज है, बेंटले लग रही है मेरे को, अरे बेंटले है जाकिर बेंटले, ऑडी भी है, वो देख वो ऑडी बैठी हुई दिखे तेरे को, लड़का छोटा सा, जीप भी खड़ी है, वो पूछ के था कितने की है, चलती भी है या नहीं चलती, ये 3,500
3,500 की है। इतनी महंगी? इतनी महंगी? वो ओडी कितने की है? वाली ओडी 3,500। भाई किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, सीरियसली, मतलब मजाक से हटके। मास्क नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, मतलब कि मास्क दिख जाए, कुछ दिख जाए। ओ भाई भाई आपकी बाइक बहुत प्यारी लग रही है भाई। बोले 3,500। 3,500 की? उसको बोल नहीं आती है इतने की। नहीं ले लेगा। तो एग्जैक्टली मैं आ गया चोर बाजार में, और चोर बाजार में वाकई में यार ये पूरे चोरी के ही कपड़े वपड़े जूते चप्पल दिख रहे हैं मुझे, और अच्छे खासे दिख रहे हैं मेरे को, मतलब दिख ही रहे हैं एग्जैक्टली। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं दिख रहे, और रिएक्शन तो देखो, एक एक बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है, मतलब कोई है जो मुड़ के नहीं देख रहा। आ जा बैठ जा। तो फुल ऑन पब्लिक रिएक्शन, फुल ऑन, मतलब फुल ऑन। भाई चोर बाजार से ज़्यादा तो पब्लिक रिएक्शन आ गए यहाँ पे। वो भी विदाउट रेव दिए। अभी तक तो मैंने 1% रेव नहीं दिया है, मतलब इतना सा भी रेव नहीं किया मैंने कि रेव कर दूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन ले लूँ। जे है भाई। क्या गाड़ी है? कहने कह रहे ये है भाई बस। अब धीरे धीरे दिखना चालू हो गया सब कुछ, पुराना सामान, नया सामान, चोरी का सामान। अच्छा ये प्रॉपर चोर बाजार जैसा है एक्चुअल में, मतलब मेरे को पहले तो ये लग रहा था कि नया सामान बिकता होगा यहाँ पे, मतलब वो चोर बाजार जैसे लाल किले पे लगता है ना, वो प्रॉपर चोर बाजार नहीं होता है वो, मतलब वहाँ पे नया पुराना हर टाइप का सामान होता है, सेकेंड हैंड सामान भी होता है, बट ये तो टिपिकल, मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई चोरी किया हुआ ही है, मतलब एक एक चीज़ है सिर्फ, एक जग, एक जार, ऐसा ऐसा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखो एक एक कैस्ट्रॉल, एक वेट मशीन, एक प्रिंटर। पुलिस वाली ड्रेस भी पहनी हुई है। अच्छा पुलिस वाली ड्रेस भी पहनी हुई है। पायलट वाली भी है भाई, यहाँ ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगी। इन्होंने वहां से भी चुरा लिए होंगे मेरे को लग रहा है। तो 100% किसी पायलट के, किसी पुलिस वाले के घर से भी चोरी हुई होगी भाई। वो बाइक चोरी नहीं होगी ना, हेलमेट चोरी हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली मैं जो घूम रहा हूँ, ये घूम रहा हूँ मैं, कहाँ है ये, कौन सी जगह हो गई? रघुवीर नगर, रघुवीर ना, रघुवीर नगर, हाँ ये हो गया रघुवीर नगर। एंड मतलब अच्छा खासा बड़ा मार्केट लगा हुआ था भाई ये तो, मेरे को लग रहा था कि छोटा मोटा होगा, पर ये तो अच्छा बड़ा मार्केट लगा हुआ है, और प्रॉपर चोर बाजार, एक्चुअल में चोर बाजार। मैं ना अंदर घुसने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं सच बताऊं, पता लगे कि मैं अंदर गया देखने के लिए और पीछे से बाइक ही गायब हो गई। शुर सही में पता लगे बाइक ही गायब हो गई मेरी। और कुछ नहीं तो शीशा ही खोल के ले गए इतनी 2 मिनट में, तो ये तो शीशा खोलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, और शीशा उसके लिए ये 50 रुपये का है, अपने लिए तो भाई 1,000 रुपये का है हार्ले का शीशा है। तो भाई फ्यूल डलवा लें, फ्यूल की लाइट जल रही है बहुत देर से, ये देखो ये टिप 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 कर रही है, बहुत देर से टिप टिप कर रही है। मेरे को लग रहा था, मैंने कहा भैया आज अगर फ्यूल ख़त्म हो गया ना तो लंका लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है इसको धक्का मारना भी एक टास्क है बहुत बड़ा। आप धक्का मार रहे? मैं तो ना मारूंगा। 310 किलो के आसपास। आओ बैठ के देखो, लगाओ स्टैंड। अरे देखो तो जिगरा खोलो, जिगर ऐसे ही तो खुलता है। कह तो रहा हूँ बैठ के तो देखो, जब ही तो पता लगेगा। बैठो बैठो ध्यान से, बस एग्जॉस्ट से पैर बचा के बैठो, देखो करो सीधा। हो तो गई, आप तो कह रहे थे नहीं होगी। जिगरा है तो आपके अंदर, देखो जिगर आ गया आपके अंदर, हमने दिल खोल दिया आज आपका। सबसे बड़ी मेहनत, अरे सर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, तभी आती है। तो गाइज वर्क हार्ड टू लिव लार्ज, एग्जैक्टली वही है कि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो। तो फ्यूलिंग मैंने करा ली है, फ्यूलिंग अब अगर प्रैक्टिकली इस बाइक की एवरेज की बात करें तो करीब करीब 12 के आसपास की एवरेज, 10 से 12। वैसे जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं वो करीब करीब सच बताऊं तो इतनी ही एवरेज देती हैं। मतलब मैंने हायाबूसा चला ली 1300 cc, दिस इज़ 1800 cc, अपना Z9 भी मैंने काफ़ी चलाई है बीच में,
तो लगभग जितनी भी सुपर बाइक्स होती है ना वो एवरेज देती हैं 8 से और 12 के आसपास में। अगर आप बहुत ही धीरे चलाओ या बहुत ही आराम से चलाओ तो मतलब बूसा करीब करीब 15 के आसपास पहुंच जाती है, बट जिस तरीके से अपन चलाते हैं उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। अभी जैसे मैं इसको बहुत आराम से चला रहा हूँ, क्रूज़ कर रहा हूँ, तो शायद ये करीब करीब 11, 12, 13 की आसपास या 14 लास्ट इतनी एवरेज दे दे, पर इससे ज़्यादा कभी भी नहीं देगी। तो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एवरेज ऑफ सारी जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं वो। प्लस सुपर बाइक्स में एक और चीज़ शायद लोगों को पता नहीं है, दैट इज़ मेंटेनेंस पार्ट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बाइक की तरह नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल अगर फैट बॉय की बात करूँ तो फैट बॉय का जो टायर है वो टायर है नया 26,000 रुपये का पीछे का, मतलब एक टायर की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़ जो टायर की लाइफ होती है इनमें क्रूज़र बाइक्स में करीब करीब 7-8,000 किलोमीटर, स्पोर्ट्स बाइक में अगर आप आराम से चलाते हो तो 7-8,000 किलोमीटर, पर मैं जैसे जिस तरीके से मैं हायाबुसा चलाता हूँ करीब करीब 4,000 किलोमीटर के आसपास, बस 4,000 किलोमीटर ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो ये दिस इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ टायर इन सुपर बाइक्स। ब्रेक पैड भी जो होते हैं जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उनके अंदर तो करीब करीब 7-8,000 किलोमीटर ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा रिप करो तो वही 4-5,000 किलोमीटर पे ब्रेक शू उनके भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड ब्रेक शू सेट एक आता है करीब करीब 4,000 रुपये का, तो 12,000 रुपये के ब्रेक सेट हो गए, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है अगर एक सुपर बाइक को जो अपन राइड करते हैं तब। तो दिस इज़ अ हाथी, मतलब लेना आसान है पर पालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो भी ले वो ये एटलीस्ट सोच समझ के ले कि नहीं खर्चे तो आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है खर्चे ही नहीं आएंगे, ये ऐसा कोई ज़ीरो खर्चे वाली चीज़ नहीं है। वैसे नहीं है मेंटेनेंस, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई इंजन में काम आ रहा है, क्लच में काम आ रहा है, कोई चेन सेट ख़राब हो रहा है, या ये बेल्ट ड्राइव है तो बेल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल रिलैक्स रहो और इन सब चीज़ों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इन जनरल जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम इसी तरीके आती है। जाकिर, ये पीछे जो आंटी जी थी ना, अम्मा जी, रेड लाइट पे भी अम्मा जी नहीं आए थे बुजुर्ग से, इनके साथ मनी गेम खेलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग थे ये, हाँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और पैसे मांग रहे थे ना, मतलब तो इनकी हेल्प करेंगे अपन, ठीक है? तो गाइस अगर इनकी हेल्प करनी है तो मुझे बता देना, मनी गेम के लिए एक वीडियो बना दूंगा मैं, सिर्फ एक इन्हीं की हेल्प करने आ जाएंगे, मतलब अकेले इनकी, मतलब इनकी ऐसे ही हेल्प कर देंगे कि कम से कम 2-3 महीने का तो इनका काम निकल जाएगा, एटलीस्ट घर का राशन तो डल जाएगा 2-3 महीने का, तो कुछ ऐसा कर देंगे। वैसे तो ये होमलेस ही होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता नहीं कि घर भर होगा, बट स्टिल विल ट्राई कि मतलब क्या हेल्प कर सकते हैं इनकी। आप देखो ये मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 100 पे, देखो क्रूजिंग देखो इस बाइक की, ये मैं आ गया 5th गियर पे, 5 गियर्स होते हैं हार्ले में, एंड अब क्रूजिंग देखो ये देखो, मतलब ये जो जिस तरीके से चलती है ना ये इतनी स्मूथ, और सबसे अच्छी बात है ये अभी मैं 80 पे हूँ, अगर 80 पे 5th गियर पे भी मैं रेस दूंगा ना तो थ्रस्ट बहुत अच्छा है, ये देखो। ओ हो अंकल जी आ गए एकदम से, ये देखो चढ़ाई पे हूँ, डबल सवारी 100, ये देखो जाए जा रही है, मतलब यही नहीं ये रुक जाएगी, मतलब इतनी जान है ना इसके अंदर, इतनी जान है, मतलब लगता है कि ये भारी सी होगी, क्रूज़र बाइक होगी तो भागेगी नहीं, ये बिल्कुल भी वहम है लोगों के सारे, मतलब ये इतनी भागती है ना, इतना एकदम, मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा होना तो उसको तो शायद डरा ही देगी, मतलब जिसने कभी सुपर बाइक नहीं चलाई है उसको लिटरली डरा देगी, ये इतनी जान है इसके अंदर, और बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छी बात है कि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, मतलब थ्रॉटल देते ही एकदम से ना, मतलब ऐसे पीछे पुश करती है बाइक अपने को, और बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो ये बिल्कुल कस्टम पेंट एंड वेरी नाइस पेंट, नाइसली डन, बहुत ही सुंदर बनाई हुई है जिसने भी मतलब ये पेंट की है बाइक, और कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त, एपिक, बिल्कुल एक नंबर। तो ये अवेलेबल है फॉर सेल NS1 पे, NS1 की वेबसाइट पे जा सकते हो और चेक कर सकते हो इसकी कंप्लीट डिटेल्स। बाइक बहुत ही मिंट कंडीशन में है, सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 2600 किलोमीटर चली हुई है बाइक, मतलब ऑलमोस्ट लाइक ब्रांड न्यू। सो गाइस भैया गए हुए हैं नहाने के लिए और मैं अभी DP बना रहा हूँ और एडिट भी हो चुकी है वीडियो, और अभी बज रहे हैं 10:28 हो रहे हैं और मेरे को अभी वीडियो एडिट करके पूरी और एक्सपोर्ट करके मेरे को अपलोड करनी पड़ेगी, और मैं DP बना रहा हूँ, फिर जाके DP लगा हुआ, टाइटल लगा हुआ, फिर पब्लिश करूँगा। आज लेट हो गए आधा घंटा, मतलब एक घंटा मान लो, 11 बजे तक आ जाएगी वीडियो। अगर आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।